गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ेंगे सेकंड का मैथ। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 एडिशन। आज हम सीखेंगे ऐड करना, यानी संख्याओं को नंबर्स को जोड़ना। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 48 और 28042, इनको ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इधर वाला होता है हमारा वंस, इधर होता है टेंस, ठीक, इधर फिर 100। इसी तरह से हमारी नंबर्स चलते हैं। देखिए अब 8 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 4, और फिर 2 काउंट करेंगे आगे 5 और 6, तो कितना हुआ 6। ऐसे ही 6 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6, और 3 में 3 ऐड करेंगे यानी 3 है, और उससे आगे 3 काउंटिंग और काउंट करेंगे। देखिए 3 4 5 6, कितना हुआ 6। ठीक है, ऐसे जो नंबर है ऊपर और जो नीचे उसमें ऐड करना है उसे उतना ही टाइम और काउंट करते हैं तो हमारा आंसर आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अभी देखिए, अभी आपको लिख के दिए थे क्वेश्चंस, अब किस तरह से दिए हैं, 18 प्लस 11। अब की बार नंबर्स में दिए 18 प्लस 11 कितने होते हैं, कितना होता है इक्वल। तो देखिए 8 और 1, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 18 और 11 प्लस, तो कितना होगा 8 और 1 9, 1 और 1 2, कितना हुआ 29। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 21 और 27 प्लस 719224, कितना 49। ठीक, ऐसे ही आपको ये बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस 71s इक्वल कितना। देखिए मैंने बताया था इधर वाला नंबर वंस, इधर वाला टेंस, ठीक है, तो 7 क्या है हमारा वंस और 1 क्या है टेंस, तो जहाँ वंस है वहाँ 7, जहाँ टेंस लिखा है उसके सामने 1। ठीक, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। अब देखिए वंस तो 7, टेंस मतलब 10, तो यहाँ लिखेंगे 1 लिख के 0 लगाएंगे। ठीक, इसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन करने हैं। अभी इसमें देखिए 2 10s + 14 1s, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टेंस में कितने नंबर होते हैं 10 यानी 2, वंस में 1 यानी 1, तो देखिए 4, यहाँ हम लिखेंगे 4, ये 1 कहाँ जाएगा, फिर ये 1 जाएगा 2 के पास, इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3 10s। जब हम इसको यहाँ पे वंस टेंस में लिखेंगे तो देखिए 20 प्लस 14 हो गया, ठीक है, तो 14 का 4, 20 प्लस 14, तो इस तरह से लिखेंगे इसे 20 प्लस 14, प्लस करना है कितना आया 4 2 और 1 3, ठीक है 34, यानी 4 और 30 कितना 30। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। यह आपका ऐड, देखिए यह आपकी कैरी हैं, इस अभी हमने सिंपल ऐड सीखे थे तो ये हमारे कैरी ऐड हैं। देखिए इनमें हमें कैरी लगाना होता है, जैसे कि जब वंस में 2 नंबर आते हैं तो उसका एक नंबर लिखते हैं और दूसरे वाले नंबर पर कैरी करते हैं। तो देखिए 5 से आगे 7 काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ 12 आया, तो 12 का 2 ये वंस वाला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, ये बचा 1, तो ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 कितने होते हैं 2 3 4 4, और जो ऊपर नंबर हमने लिखा है अभी 1, उसे इसमें ऐड करेंगे 4 और 1 5, ठीक, इस तरह से ऐड करना है। देखिए एक और क्वेश्चन, 9 और 4, तो 1 2 3 4, तो 9 से आगे 4 काउंटिंग 10 11 12 13 13 13, ऐसे लिखा जाता है, तो जो इधर का नंबर होता है वंस का वो हम यहाँ लिखते हैं, और जो ये टेंस वाला बचता है इसको हम कैरी लगाते हैं।
ठीक है। वन और टू कितने, थ्री, और वन फोर, ठीक है। इस तरह से ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।